नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन सीमा पर पिछले कई महीने से लगातार तनाव बना हुआ है। चीन द्वारा लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सैनिकों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। वैसे देखा जाए तो चीन कहीं ना कहीं सीमा के पास हो रहे निर्माण कार्य से बौखलाया हुआ है। चीन नहीं चाहता है कि भारत और चीन सीमा के पास भारत सरकार कोई सड़क, पुल या हवाई पट्टी का निर्माण करे, क्योंकि चीन को डर यही है कि अगर चीन ने दोबारा कभी भारत के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करने की सोची भी तो भारतीय सेना आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर चीनी मंसूबों को नाकाम कर देगी। इसी कड़ी में कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 43 पुल बनकर तैयार हो गया है। ये सभी स्थायी ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने बनाकर तैयार किए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक BRO द्वारा निर्मित इन 43 ब्रिज में से 10 जम्मू कश्मीर में हैं, 7 लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 पंजाब, 8 उत्तराखंड, 8 अरुणाचल प्रदेश और 4 सिक्किम में हैं। ये पहली बार है कि देश की अलग अलग सरहदों पर बने इतनी बड़ी तादाद में पुलों को एक साथ तैयार किया गया है। पिछले 4 महीने से चीन से चल रही तनातनी के चलते BRO दिन रात एक कर सीमाओं की नदी नालों पर पुलों का निर्माण कर रही है। इन 43 पुलों में से 22 अकेले चीन सीमा पर जाने के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें से एक हिमाचल प्रदेश के दारचा में तैयार किया गया है, जो करीब 350 मीटर लंबा है। इस बीच खबर है कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक महत्व की रोहतांग टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ABP न्यूज़ ने हाल ही में दिखाया था कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 साल से बन रही रोहतांग टनल बनकर तैयार है। इस टनल के बनने से कुल्लू मनाली से दारचा के रास्ते लद्दाख की सप्लाई लाइन 12 महीने खुली रहेगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में रोहतांग पास भारी बर्फबारी के चलते बंद हो जाता था। आपको बता दें कि पिछले 4.5 महीने से पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर भारत का चीन से टकराव चल रहा है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि रोहतांग टनल के जरिए सेना की सप्लाई लाइन पूर्वी लद्दाख के जरिए खुली रही। पूर्वी लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC पर भी चीनी सेना की गतिविधियां हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में सेना की मूवमेंट के लिए इन पुलों की सख्त ज़रूरत थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।